गाइस हम घर पे आ चुके हैं और इधर मेरे भाई बैठा है, 10 बज चुके हैं अभी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश में बोल रहा हूँ आज। आज अभी हम जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए मंदिर पे, और आज मैं मतलब इससे बना रहा हूँ, ये गिम्बल से हले तो नहीं आ रहा बट बना रहा हूँ मैं। और तो, मांगीलाल जी और राजू भैया आगे चल रहे हैं। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज आज होली थी बट होली रोपी नहीं हमने इधर, क्योंकि आला आता हमको होली किसी ने नहीं रोपी। सुबह रात में उठो रहती है जो उठा है आला थी नहीं होली जाप रही आज। रिल्स बनाए बस होली होली कोई रोपी नहीं आप किसी ने। लोग आई इन कह रही है मतलब कि होली रोपी को नहीं, रोपी को नहीं, टाइम करने रोपा नहीं, टाइम को नहीं। हाल रिल्स बनाओ मैं लगता होली इसको नहीं। आदमी के साथ धोखा हुआ, मुंबई से होली देखने होली नहीं, मारवाड़ में होली देखने मतलब मुंबई से आया हो, यहाँ पे कोई होली रोपी नहीं किसी ने, पोपट हो गया। तो गाइस रिल्स बना दी, अभी जाएगा हम घर पे और मांगीलाल जी जा रहे हैं घर पे। अभी 5:50 हो रहे हैं, अभी जाके खाना खाएंगे। इतना मतलब जल्दी यार, वो बहुत जल्दी खाना खाता है। तो अभी जाएंगे महाराज के पास, वहाँ से टिफिन लेना, यहाँ पे टिफिन लाया हुआ था, वो टिफिन लेके जाएंगे हम घर पे। तो चलते हैं फटाफट, अभी टिफिन ले लिया पियू ने, अभी जाएंगे हम घर पे। पियू एक बात बोल दो तुझे, पक्का सेम टू सेम तेरा कॉफी है वो। तो है गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे और बादल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मतलब आज लगता है बारिश का मौसम होगा गुजरात में। मतलब नानी को फोन किया तो वहाँ पे भी बारिश हो रही है, थोड़ी तेज है वहाँ पे हवा आ रही है, यूं फूं फूं बहुत तेज वाली। खाना भी बनानी है, दाल रखी है ऊपर तो दाल बन रही है। गाइस मम्मी यहाँ सीरा बना रही है और लाइट ये थोड़ी सी खराब हो गई है, जब जब करी इसको चेंज करवाना है। और मम्मी सीरा बना रही है, मस्त आज मजा जाएगा। नहीं बनाना ठीक नहीं, फिर क्या करोगे? हाँ मम्मी भी बीमार है और पापा भी बीमार है आज, पता नहीं 5-10 दिन हो गए पापा भी बीमार है, वो पापा आ गए पीछे। तो गाइस यहाँ पे प्यू रोटी बना रही है। रोटी नहीं बना रही हूँ। तू रोटी नहीं बनाएगी क्या? अभी मैं आटा बना रही हूँ। खुद ही चुके हाल तो। अभी मैं आटा लगा रही हूँ, रोटी तो बाद में बनाऊंगी ना। गाइस पूरा अंधेरा और देखो बादल घने एकदम, बादल हाँ बहुत ही आज मतलब ज्यादा बारिश आने वाली है लगता है मौसम के हिसाब से। अरे फागण का महीना में मैं तो मम्मी यहाँ बना रही रोटियाँ। गाइज राजस्थानी परंपरा के हिसाब से मैं एक चीज बता दूं, बहुत ही शानदार है ये देखिए, ये मतलब जब ये होता है ना तब मतलब कहते हैं क्या है के? अच्छा घर में मेहमान आते हैं मतलब ये हंसता है मतलब ये। यो यहाँ पे बर्तन धो रही है और ये दूध गर्म कर रहा है, नहीं तू खा। तो गाइज ये सब ब्लैक टी पी रहे है, यहाँ पे पियो और सौरभ, अंदर पापा बैठे है, जुकाम हो गया चाय। सीरा और दाल रोटी बनी है। तो गाइस मम्मी ने आज बनाया है सीरा और रोटी दाल। तो गाइस खाना खाते हैं, मिलते थोड़ी देर बाद क्योंकि बाद में जाना है हमको मंदिर पे। क्यों क्या है मम्मी आज वहाँ मंदिर पे? होली दहन। हे गाइस रेडी, अभी खाना खा के रेडी हो चुके, अभी जाएगा मंदिर पे क्या है आज होली दहन। तो चलते हैं अभी, बहुत ही मजा आएगा, मतलब गांव में हम होली दहन कैसे करते हैं बताने वाले हैं आज आपको हम। तो चलते हैं जल्दी आओ फटाफट। होली दहन हो गया और अभी तक ये यहीं पे पीछे, लेट हो गया। तो गाइस अभी यहाँ से सब रवाना होके मंदिर में जाएंगे अभी हम, सब जमा हो गए और यहाँ पे मतलब क्या करते हो मीटिंग बैठाई है, अभी कल का प्रोग्राम होगा क्या है क्या नहीं, चलो सुनते हैं और पता करते हैं क्या है कल का प्रोग्राम। बताते हैं आपको कल का कौन पकौड़े खाता है कौन नहीं खाता। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सब घर पे, तो चलते हैं फटाफट घर पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए हम।
तो गाइज ये तीनों उधर बैठे हैं। तो गाइज हम घर पे आ चुके हैं और इधर मेरे भाई बैठा है, 10 बज चुके हैं अभी। भाई गाइज तो गाइज अभी घर पे आ गए अम्मी और प्यू यहाँ पे बैठी है और अभी 10 बज रहे तो गाइस हम मंदिर पे गए तो मतलब होली दहन हो चुका था, लेट हो गया फिर भी, बट ठीक है थोड़ा बहुत हमने देख लिया और क्लिप है थोड़ी बहुत इधर से हम जुगाड़ करके ले ली हमने, वो आपने देखी होगी थोड़ी बहुत क्लिप हमने ले ली। तो गाइस अभी हम घर पे आ गए और अभी ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।